लोग जो आज बात करनी है वो पर्टिकुलर चैप्टर में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर हम लोगों को बात करी थी स्पोरोजेनेसिस के, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना मेल गैमेट और मेगा स्पोरोजेनेसिस से सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना माइक्रोस्पोर और उसके बाद उसके अंदर हुई माइक्रो गैमेटोजेनेसिस तो बन गया मेल गैमेट। और जब माइगा स्पोरोजेनेसिस हो तो बने मेगा स्पोर और फंक्शनल मेगा स्पोर एक ही बनता है। उसके बाद बना उस मेगा स्पोर के अंदर तीन बार माइटोसिस बन गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेट भी वहां पे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं जिसको हम लोग सेवन सेड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरी बात एक और हम लोगों ने की थी कि जब हमारा पॉलिगेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा तो उसको बोला पॉलिनेशन और वो पॉलिनेशन ऑटोगेमी और एलोगेमी जिसे हम लोग सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन भी बात की। इसके बाद हम लोगों ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स के बेसिस पर हम लोगों ने बोला पॉलिनेशन दो टाइप का होता है ना, ये पॉलिनेशन हाइड्रोफिली एनिमोफिली जूफिली, इतनी बात हम लोगों की हुई थी। अल्टीमेटली हमारा क्या बन गया, हमारा वहां बन चुका है क्या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो अब करना क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में, उस फर्टिलाइजेशन को जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रेफरेंस में। जस्ट मिनट, यहाँ पे अगर मैं कुछ स्लाइड्स अगर मैं यहाँ कुछ स्लाइड्स बना दूं, ब्लैक स्लाइड नहीं छोड़ पाया तो यहाँ कुछ ब्लैक स्लाइड छोड़ते हैं उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं, अदरवाइज मुझे तो यहाँ पे इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलिए हम इसी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन और कंजुगेशन यानी की बात करें तो थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और एक वर्ड होता है सिंगेमी। ये जो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी है ये तो बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन जो कंजुगेशन होता है इसको भी मैं कई बार आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। तो ये जो कंजुगेशन है इसमें अगर हम लोग डिफाइन करें तो यहां बोलते हैं द फ्यूजन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट, मतलब फ्यूजन से पहले आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। दैट इज ए फ्यूजन बिटवीन द टू सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट विल पार्टिसिपेट, दैट इज कॉल्ड द, यहां लिख सकते हैं द फ्यूजन बिटवीन, द फ्यूजन बिटवीन टू सिमिलर गैमेट्स, द फ्यूजन बिटवीन द टू सिमिलर गैमेट। और अगर ये फ्यूजन बिटवीन द टू सिमिलर गैमेट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कंजुगेशन, है ना। बिफोर फ्यूजन ये कंफर्म ही ना हो कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी की अगर बात करें तो यहां लिख सकते हैं द फ्यूजन बिटवीन द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमेट, टू डिसिमिलर, टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमेट, टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमेट। तो जब दो डिसिमिलर काइंड के गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले छोटी छोटी डेफिनेशन को क्लियर करना कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जस्ट बायो लेकर के 11th से स्टार्ट किया, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन भी उनके कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, है ना। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया। इनिशियली क्या था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है MIC, क्या नाम है उनका, उनका नाम है MIC। MIC साइंटिस्ट ने बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, एक्सप्लेन किया इस फर्टिलाइजेशन को, बट क्रेडिट वाज गुड, क्रेडिट जाता है किसको, स्ट्रॉसबर्गर को। एक साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉसबर्गर,
ये जो स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट है इनको क्रेडिट जाता है फर्टिलाइजेशन का, कि इन्होंने इस स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने फर्टिलाइजेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया इन मोनोट्रापा, मोनोट्रापा प्लांट के अंदर जिसको हम लोग इंडियन पाइप बोलते हैं। और ये जो प्लांट है ये सैप्रोफिटिक नेचर का एंजियोस्पर्म है। सो मोनोट्रापा इंडियन पाइप के अंदर इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले हमारे फर्टिलाइजेशन को क्रेडिट गया इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट को जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर कोई पूछता है फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। एमआईसी की अगर कहानी याद हो तो आपको पता था कि एमआईसी ने पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया है ना। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रासबर्गर है इन्होंने क्या किया, इस फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया और पूछा गया था फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय इन, सो फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन मोनोट्रापा। यहां तक आपको बात सबको पता है। फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर दिए जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मुझे जानना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन, अगर इस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन है वो हम कहते हैं कि दो टाइप का होता है। एक वो जिसको बोलते हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन, एक को बोलते हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन और दूसरे को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यस, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको अगर हम आपको इस पर्टिकुलर इस वर्ड से अगर क्वेश्चन पूछें तो मुझे इसका आंसर कितने लोग दे सकते हैं, फटाफट इसका मुझे आंसर दीजिएगा। सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, फटाफट। ये जो सिंगल फर्टिलाइजेशन है विच आर टेक्स प्लेस इन ऑल एम्ब्रियोफाइट, इट इज ट्रू और रॉन्ग। यस, फटाफट मुझे इसका आंसर अगर आप दे सकते हो तो फटाफट इसका आंसर मुझे दे दिए कि यहां पे जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो सकता है ना। एनीबॉडी, अब तो नहीं बैनर हाइड कर रहा। यस, टेल मी अबाउट। और अभी तक कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस को शो नहीं किया है, तो फटाफट इसमें अटेंडेंस को शो कर दीजिए। मैंने एक्चुअली आज ध्यान नहीं दिया, मैंने मोबाइल रख दिया था तो मुझे ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने क्या क्या मैसेज किए हैं। तो फटाफट अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर होगा और यहाँ पे जो बात चल रही है वो भी मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने जो क्लास स्टार्टिंग सून वाला बैनर है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन आप लोगों में कई लोग ऐसे हैं, मोहम्मद सलास, द्रपवीन, संजय कुमार, अंकित, साहिल, मायशा, सृजन, अरसलान, यस, टेल मी अबाउट द नेक्स्ट नंबर वन, जो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में बता दिए। अमीबा यूब्लिना में होता है, ओके, क्या बात किया, अमीबा और यूब्लिना में होता है, बाकी किसी में नहीं होता मेरे लाल। संजय कुमार ने आंसर दिया कि ये केवल अमीबा और यूब्लिना में होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन। यस, टेल मी, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे और क्लियर कट बताएंगे तो मुझे याद रहेगी चीजें कि आपने क्या क्या यहाँ पे देखा। फटाफट मुझे आंसर दिए, द सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, सिंगल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में मुझे बता दिए, द सिंगल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। और यहाँ पे फटाफट मुझे एक आंसर मिला था वो भी उतना सही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन, ये सिंगल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सिंगल फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली इट इज टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स, टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वो सारे प्लांट के अंदर देखने को मिलता है इन ऑल प्लांट, चाहे वो थेरोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, टेलोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सबके अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बट दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्टली एंजियोस्पर्म।
जो मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट है उन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा? मोस्टली एंजियोस्पर्म के अंदर। कुछ एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उनके अंदर भी ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहां तक बात क्लियर होगी? अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है तो प्लीज फटाफट चैट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैट नहीं करोगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप लोगों को बात यहां पे क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज समझ में आ गई हो, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप फटाफट मुझसे यहाँ पे चैट करके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरी बात जो आपने अभी देखी वो मुझे समझ में नहीं आई। ओके क्लियर है? अंकित ने यहाँ पे मैसेज किया कि सर ये बात क्लियर है। अब उन लोगों को बात करनी है यहाँ पे, ये जो हमारा सिंगल फर्टिलाइजेशन है इसके बारे में अगर यहाँ बात करें तो सिंगल फर्टिलाइजेशन तो सबके अंदर होता है। तो जिम्नोस्पर्म में, ये जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जहां डबल फर्टिलाइजेशन होता है? ये जो जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो किस प्लांट में होता है? ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो किस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है? यस, फटाफट अगर आपको पता है तो आप मुझे आंसर लाइव चैट के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पे मुझे इसका आंसर चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आंसर को बता सकते हैं तो मुझे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे बेसिकली किस तरीके का डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। यस, ये जो बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन का जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एक प्लांट है जिसका नाम है ऑर्डर है, इसका नाम है निटेल्स। और इस निटेल्स ऑर्डर के जो प्लांट है जिनको बोलते हैं नीटम, जी साइलेंट रहता है इसलिए उसको बोलते हैं नीटम। एक दूसरा प्लांट है उसको बोलते हैं एफिड्रा, और तीसरा प्लांट है जिसको बोलते हैं वेलविशिया। क्या बोलते हैं? वेलविशिया। तो ये जो वेलविशिया है, नीटम है, एफिड्रा, इन सब के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो नीटम, एफिड्रा, वेलविशिया, इन सारे प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स भी होती है। क्या होती है? जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। और जब ये जाइलम वेसल्स होती है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट्स व्हाई दिस आर वेरी क्लोज टू, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी क्लोज टू एंजियोस्पर्म। इसलिए इनको क्या करते हैं? एंजियोस्पर्म के क्लोज मानते हैं। दिस इज ए क्लोज टू द एंजियोस्पर्म प्लांट। यस, टेल मी, यहां तक अगर आपको कोई बात, अंकित मालवेसी फैमिली की बात कहां से? मेरे लाल, यहाँ मालवेसी फैमिली की बात कहाँ से? यहाँ कोई मालवेसी फैमिली की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं स्पेशली उस पर्टिकुलर वर्ड की जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये डबल फर्टिलाइजेशन तो हमारा कहाँ मिल रहा है? मोस्टली एंजियोस्पर्म का फीचर्स है। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये बेसिकली, अरे मेरे लाल, जाइलम वेसल्स की बात है। ये है जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स आपको पता है विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सभी के अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म तक जो भी प्लांट होंगे, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसके आगे तो वेस्कुलर टिश्यू था ही नहीं, है ना? तो ये जो आपके वेस्कुलर प्लांट होंगे, इन वेस्कुलर प्लांट में जाइलम वेसल्स केवल इन थ्री के अंदर प्रेजेंट होती है। और जब यहाँ पे तीनों के अंदर प्रेजेंट होगी तो इसलिए इट इज वेरी क्लोज टू द एंजियोस्पर्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से दिए गए प्लांट में से कौन सा एंजियोस्पर्म के क्लोज है, तो इनमें से कौन सा क्लोज है? यहाँ पे जो क्लोज है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? नीटेल्स ऑर्डर का नीटम, इफिड्रा और वेलविशिया। यहां तक मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो बात है वो डबल फर्टिलाइजेशन और सिंगल फर्टिलाइजेशन की है। तो आपको भी पता है कि सिंगल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन वर्ड जो यहाँ लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एमआईसी। पहली बार तो एमआईसी ने ऑब्जर्व किया, बट द क्रेडिट वाज इट्स डिस्कवरी, बट क्रेडिट वाज इट्स डिस्कवरी गोज टू द स्ट्रॉसबर्गर हु डिस्कवर्ड द फर्टिलाइजेशन इन मोनोट्रापा। मोनोट्रापा को इंडियन पाइप भी बोलते हैं। और ये जो इंडियन पाइप प्लांट है जो सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, इसके अंदर इन्होंने फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया। सिनजेमी और फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों का एक ही होता है, जो मैंने इनिशियल वर्ड में एक्सप्लेन किया इनिशियली कि फ्यूजन बिटवीन द टू डिसिमिलर काइंड ऑफ गैमेट, क्योंकि एक होता है मेल दूसरा होता है फीमेल, एक होता है मोटाइल बीच में भी और एक होता है नॉन मोटाइल। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट मोटाइल इन
नेचर। तो यहाँ पे सिंगेमी का मतलब भी आपने बता दिया। और इसके अलावा अगर कंजुगेशन की बात करें तो कंजुगेशन के भी बारे में मैंने बोला था कि कंजुगेशन द डिफ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ओके नेक्स्ट बात है कि ये जो पॉलिनेशन है इट इज फॉलोड बाय द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। यहाँ पे जब तक हमारा पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक हमारा पॉलन गेन पहुंचेगा नहीं, और जब हमारा पहुंचेगा स्टिग्मा पे तो वहां पॉलन गेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, और उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होंगे, दो मेल गैमेट होंगे। ये जो पॉलन ट्यूब है विच कैरी द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेटोफाइट, ये बेसिकली मेल गैमेट लेके पहुंचेगा कहां, लड़की वाले क्या, अरे तभी तो शादी होगी। तो क्या क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है ये बेसिकली पॉलन ट्यूब इसको कैरी करेगी और लेकर के पहुंचेगी इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास या उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सेल के पास जिसे हम लोग 7-celled 8-nucleated स्ट्रक्चर बोलते हैं। 7-celled 8-nucleated जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं वहां पे ये बेसिकली देखने को मिलेगा, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं साइफनोगैमी। बात याद रखिएगा साइफनोगैमी, साइफन का मतलब होता है ट्यूब। यहां पे एक वर्ड याद रखिएगा, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट हो ब्रायोफाइट से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक जहां पे सब जगह सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे साइफनोगैमी केवल दो ही प्लांट में देखने को मिलती है। साइफनोगैमी केवल वहीं देखने को मिलेगी जहां पॉलिनेशन होगा, जहां पॉलन ट्यूब बनेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो साइफन जैसे आपने गांव देहात में देखो चूल्हे होते हैं ना, उसको गर्म उसको जलाने के लिए मतलब उसको और अच्छी आग लगाने के लिए क्या करते हैं, साइफन से फूंकते हैं ना। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं साइफन, दैट इज कॉल्ड एज साइफनोगैमी। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो आपकी पॉलन ट्यूब है, ये जो हमारे ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है ना, और यहाँ पे हमारे जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जब मूव करके हम पहुंचते हैं तो ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, जर्मिनेट करती है, और जर्मिनेट करेगी तो ऐसे जाएगी, है ना, और इसके पास क्या होंगे, दो मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस फिनोमेना को साइफनोगैमी भी बोलते हैं। लेकिन साइफनोगैमी मैंने बोला वर्ड कहां यूज होगा, ऑनली इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड ऑनली इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, बिकॉज विच वेयर द पॉलिनेशन विल टेक प्लेस, वेयर द पॉलन ट्यूब इज फॉर्म। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि साइफनोगैमी का मतलब क्या होगा, यहां तक मेरी बात क्लियर है। एक और बात, यहां पे मैंने एक और चीज बोली थी कि जब पॉलिनेशन होता है तो हमारा इनिशियली जो पॉलिनेशन होगा वो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कितने सेल का होगा, 2-celled stage होगा, ये आपकी वेजिटेटिव सेल और ये आपकी जनरेटिव सेल, दैट इज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल आगे डिफरेंशिएट होती है किसमें, बॉडी सेल में और स्टॉक सेल में, है ना, और ये बॉडी सेल आगे किसमें जाएगी, ये बॉडी सेल हमारी आगे चलकर क्या बनाएगी, दो मेल गैमेट को फॉर्म करती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है द मेल गैमेट इज फॉर्म, तो ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड करेगी, जनरेटिव सेल से बनते हैं दो मेल गैमेट, और वो दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फ्रॉम जनरेटिव सेल द टू मेल गैमेट विल डेवलप बाय माइटोटिक डिवीजन, और ये माइटोटिक डिवीजन होगा कितनी बार, टोटल अगर हम पॉलन गेन की बात करें इस पॉलन गेन से मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए यहां पर होते हैं 3 बार माइटोसिस, कितनी बार माइटोसिस होती है, 3 टाइम माइटोसिस होती है तब हमारा बनता है मेल गैमेट। और एक बात मैंने आपको पिछले टर्न पे भी कई बार बोली है कि अगर चाहे वो मेल गैमेट बने चाहे फीमेल गैमेट बने 3 ही बार माइटोसिस होगी, ओनली 3 टाइम्स, है ना। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ में आई हो या कुछ डिस्कस करना हो तो यू कैन आस्क। यस उसे फुकनी कहते हैं, गांव गांव में उसको हम लोग फुकनी भी बोलते हैं, है जो हलो होती है फुकनी, इंग्लिश में बोल देते हैं साइफन। ओके तो ये जो साइफन है इस साइफन की तरह होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, जिसे मेल गैमेट और ये दोनों के दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, इस लड़की वाले क्या पहुंचेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पे पहुंचेंगे, एम्ब्रियो सैक पे पहुंचेंगे, पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं आगे, दूसरी चीज की ये जो मेल गैमेट है लेटर ऑन दिस मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट, जब हमारे ये मेल गैमेट वहां पहुंच जाएंगे नियर द एम्ब्रियो सैक वहां पे क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा अपने पॉलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट को। लेकिन आपको पता है ये जो मेल गैमेट ये जो पॉलन ट्यूब अंदर जाती है वो किस एपरेटस की हेल्प से जाती है, फटाफट इसका आंसर मुझे दीजिए, ये जो पॉलन ट्यूब जाती है वो किस पर्टिकुलर फिलामेंट की किस पर्टिकुलर बच्चे की एपरेटस की हेल्प से अंदर करती है, फटाफट ये जो पर्टिकुलर
वर्ड है मैंने अभी जो बोला कि ये पर्टिकुलर जो पॉजिटिव ट्यूब है विच इज डायरेक्शन, इसको कौन डायरेक्शन देता है और इसको अंदर आने की एंट्री कौन देता है, उस ऑपरेटर का नाम क्या है, फटाफट मुझे इसका आंसर चाहिए। देखें कितने लोग इसका आंसर देते हैं। सिद्रा, परवीन, मायशा, अंकित, साहिल, संजय, मोहम्मद सला, अरसलान, फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग आंसर देने में बहुत देर करते हैं, आप लोग आंसर देने में बहुत देर कर देते हैं। और अभी मुझे लगता है कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक्स नहीं किया है, तो फटाफट इसको लाइक्स भी कर लीजिए। और आगे हम लोग बात करनी है इस पर्टिकुलर, यस इसका आंसर हो गया, संजय ने दिया, इसका आंसर है फ्ली फॉर्म एपरेटस। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं फ्ली फॉर्म एपरेटस। तो जब ये फ्ली फॉर्म एपरेटस यहाँ पे बनेगा तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, वहां पे दोनों मेल गैमेट डिस्चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजेशन है विच विल बी द सिंगल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने अभी बोला कि सिंगल फर्टिलाइजेशन तो ऑल प्लांट आप यहाँ कह सकते हैं दिस सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट, चाहे वो थैलोफाइट हो, ब्रायोफाइट हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, कोई भी हो। लेकिन जो डबल फर्टिलाइजेशन है विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यू, जो एक्सेप्शन है फ्यू जिम्नोस्पर्म एंड ऑल और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर ये देखने को मिलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक आपकी बात क्लियर होगी। तो यहां पे फिर हम लोग एक बात करते हैं कि ये जो बेसिकली यहां पे ये जो हमारा सिंगल फर्टिलाइजेशन, अगर हम यहां सिंगल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करना है सिंगल फर्टिलाइजेशन, तो ये जो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सिंगल फर्टिलाइजेशन की कहानी क्या है कि जब हमारा मेल गैमेट बनते कितने हैं, दो। तो ये जो मेल गैमेट है, मान लो ये है हमारा मेल गैमेट, ठीक है, तो ये फर्स्ट मेल गैमेट है। जब ये मेल गैमेट हमारा फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, किससे फ्यूज करना है, फीमेल गैमेट के साथ, जिसको हम लोग एग सेल भी बोलते हैं या इसको हम लोग ओस्फेयर भी बोलते हैं। ये भी हैप्लॉयड होगा और ये भी हैप्लॉयड होगा। ये कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक के अंदर, अरे ओव्यूल के अंदर। और इंडायरेक्टली बनेगा क्या यहां पे, यहां बन जाएगा जायगोट। तो जब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जब ये हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, That is called zygote. So this is a fertilization. और जब ये fertilization होगा तो बन जाएगा zygote. तो zygote का formation हो गया, वो कैसा structure है, 2N है। क्यों 2N है? क्योंकि male और female दोनों कैसे हैं, haploid, तो दोनों fuse करेंगे, तो इस diploid structure का formation होगा, इसको बोलते हैं zygote. अब बात करते हैं कि जो double fertilization है, इस double fertilization को अगर हम लोग कहें, तो double fertilization was discovered by Novoshchin in Lilium and Fritillaria. एक साइंटिस्ट है जिनका नाम नोवोशिन, एंड नोवोशिन डिस्कवर द डबल फर्टिलाइजेशन इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। तो लिलियम और फ्रिटिलेरिया के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया नोवोशिन ने। इन्होंने ये बोला कि जो एनदर मेल गैमेट होगा, क्या होगा, एनदर मेल गैमेट होगा, और वो एनदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट बचा है वहां पे, उस एनदर मेल गैमेट की फ्यूजन किससे होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसके साथ होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अल्टीमेटली ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में n प्लस n कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है, n प्लस n, और इस n प्लस n कंडीशन के बाद अल्टीमेटली कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, यहां पे कितने हैं, एक और ये दो, तीन। तो क्या बन जाएगा, पहले बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वो कैसा होगा, 3N। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3N है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा एंडोस्पर्म, ये बन जाएगा एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जो क्या है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। तो ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन तो ये है ना, ये क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का चेंजेस है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। That is called as a triple fusion or double fertilization. ये जो triple fusion है, ये term दिया था
कटलर एंड चैम्बरलिन ने, किसने दिया था ये टर्म दिया था, कटलर एंड चैम्बरलिन ने। तो यहां पे जो साइंटिस्ट है वो है कटलर एंड चैम्बरलिन। तो कटलर एंड चैम्बरलिन विच डिस्कवर द विच गिवन द टर्म दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो जब ट्रिपल फ्यूजन होगा बनेगा क्या, एंडोस्पर्म बनेगा। दिस एंडोस्पर्म इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। यहां तक मेरी बात आपको 101% समझ में आ गई है ना। यहां तक अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो यू कैन आस्क, फटाफट मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि यस ये जो ट्रिप्लॉइड स्टेज है नोवोशिन ने डिस्कवर किया एंडोस्पर्म को, इसके बारे में अगर किसी कुछ बात करनी है। अनुभव सिंह बहुत दिनों बाद है ना, अनुभव, अंकित, साहिल, संजय और एक और फ्रेंड इसका वो भाई गायब है, शिवम है ना, सृजन, अरसलान, मोहम्मद सलाह। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज यू कैन आस्क। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। ओके फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ बात की कि इनफर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमेट एंड द मेल गैमेट, द न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ये जो जायगोट बना ये कैसा है, टू एन स्ट्रक्चर, और ये जो टू एन स्ट्रक्चर है विच इवेंचुअली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, आगे चल के इसी जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और वो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी व्हाट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके दूसरी चीज की ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर अनदर मेल गैमेट विच पार्टिसिपेट इन द फ्यूजन ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म विच बिफोर जस्ट बिफोर द एंडोस्पर्म क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है उससे आगे चल के बनता है डिफरेंशिएशन होता है और बनता है एंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म प्लांट के अंदर। यहाँ पे एक और बात हो रही है, यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्ड बोला था यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और वहां एक्सप्लेन भी किया, दिस डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय द नोवोशियन इन लिलियम एंड फिटिल एरिया। ये दो डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं जिनके अंदर इन्होंने इस डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, विच इज कन्फर्म बाय गुइनार्ड। गुइनार्ड साइंटिस्ट ने इसे कन्फर्म किया कि जो बात आप कह रहे हो वो एकदम सही है, बिंदास है। ओके तो ये तो बात हमारी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के रेफरेंस में। यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आंसर। ये मैंने एक फिगर बनाया, अगर आप इस फिगर के बारे में ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो हमारा पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब है, और ये पॉलन ट्यूब जब यहाँ बनी तो ये बनी तभी होगी जब पॉलिनेशन से यहाँ पॉलन ग्रेन पहुंचा हुआ, दिस इज पॉलन ग्रेन है ना, ये हमारा पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन जब ये पॉलन ट्यूब बनी तो ये पॉलन ट्यूब कहां से जा रही है, इस माइक्रोपाइल एंड से जानी चाहिए थी। माइक्रोपाइल एंड से ना जाके कहां से चली गई, इंटेगमेंट के थ्रू चली गई, इसको बोलते हैं मीसोगैम ना। अरे अगर ये हमारी पॉलन ट्यूब ऐसे ना जाके, अगर ये ऐसे जाती यहां से एंट्री करती तो ये किसके थ्रू जाती, माइक्रोपाइल के थ्रू, इसे क्या बोलते हैं पोरोगेमी। लेकिन चली कैसे गई, ये हमारी गई इंटेगमेंट के थ्रू, इसको बोलते हैं चला, इसको बोलते हैं मीजोगेमी। और ये मीजोगेमी हो तो आपको याद होगा ये आपका क्या है, ये हमारा है एग सेल, क्या है, दिस इज एग सेल, और ये हमारी है सिनर्जिड, ये क्या है सिनर्जिड, और ये सिनर्जिड तो पहले ही खत्म हो गई। तो इस सिनर्जिड के एपिकल पार्ट पे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है फ्ली फॉर्म एपरेटस, क्या प्रेजेंट होता है फ्ली फॉर्म एपरेटस, और ये फ्ली फॉर्म एपरेटस क्या करता है अल्टीमेटली इसको फैसिलिटेट करेगा, और ये हमारे दो न्यूक्लियस है ना, और ये दो न्यूक्लियस यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये जैसे दो न्यूक्लियस डिस्चार्ज हुए ये तो हमारा बन गया जायगोट, ये स्ट्रक्चर बन गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों गैमेट के फ्यूजन हो जाएंगे और बन जाएगा जायगोट। और यहाँ पे जो बना दूसरा मेल गैमेट देखिए, ये दो मेल गैमेट थे पर्पल कलर के शायद में भी दिखाई दे रहा हूँ, ये दोनों गैमेट फिर इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कंबाइन किया और बन गया एंडोस्पर्म। तो ये हमारा हो गया डबल फर्टिलाइजेशन और सिंगल फर्टिलाइजेशन। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दिए जो भी मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इन डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट, इन डबल फर्टिलाइजेशन हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट, इसका आंसर कितने लोग जानते हैं फटाफट मुझे दीजिए। यस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, यहां तक फटाफट मुझे आंसर दे दिए, और यहाँ बहुत कम लोग जो हैं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से अपनी एनर्जी को डाउन करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा है ना। तो फटाफट इस एनर्जी को मेंटेन रखना है क्योंकि मुझे तो ये क्लास रेगुलर करनी है, और अगर आपको याद होगा तो सार्थक क्वेश्चन सीरीज की लास्ट डेट थी 14th February, मैंने बोला था और लास्ट में कल मैसेज भी किया था। तो अब जो लोग एंट्री लेंगे नेक्स्ट कमिंग डेज में
तो वो अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो वो मुझे प्राइवेट करनी पड़ेगी, और प्राइवेट जब तक वो लिंक किसी बच्चे को मिलेगी केवल वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट यू विल टेक द रजिस्ट्रेशन, यू विल टेक द एडमिशन ऑन दिस, और अगर इसकी कोई फॉर्मेलिटीज होंगी तो मुझे आप फोन करके वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। ओके, और भी बात करनी है। यहाँ अंकित ने जवाब दिया, यहाँ दो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियाई, क्वेश्चन लिख लिए कहीं, हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, इसका आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी से। यस सदरा परवीन, अरसलान, मोहम्मद सला, साहिल उमराव, साहिल उमराव जान कहाँ हो आप हैं? और ये साहिल जो है ये बहुत ज्यादा लेजी हो गया है, इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, और वही हाल शिवम का भी है ना। आपके बैच में बहुत उन बच्चे हैं जो रेगुलर और पंचुअल हैं, जैसे अंकित पंचुअल है, अनुभव भी बीच बीच में गायब हो जाता है, साहिल तो खैर उसकी बात ही अभी नहीं करनी है क्योंकि जब तक वो रेगुलर नहीं होगा तब तक उसके बारे में बात कम करेंगे। यस संजय, साहिल, सिद्रा, माइशा, एनीबडी फास्ट गिव द आंसर। मैंने पूछा हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली, जल्दी से जल्दी अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और खुद ही आंसर दे दूंगा। यस टेल मी, जो आंसर दिया वो लोगों ने गलत दिया है। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो एक वर्ड लिखा है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डबल फर्टिलाइजेशन पहले हो जाए और सिंगल फर्टिलाइजेशन बाद में? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये पॉलिन ट्यूब एंटर करे और उसमें जैसे ही न्यूक्लियस से पहुंचे कि न्यूक्लियस पहले इसको दे दे बाद में इसको दे? पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये होगा कि इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले क्या होगा, पहले हमारे ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो दो न्यूक्लियस तो यही हो गए, और जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो बन क्या जाएगा, जायगोट। इसकी बात कर नहीं रहे हम, बात किसकी कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन को। तो डबल फर्टिलाइजेशन दोबारा क्या होगा, ये तीन गैमेट पार्टिसिपेट करेंगे, ये और दो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, है ना। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म बना ना। तो यहाँ पे टोटल अगर वो पूछेगा हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, आंसर विल ऑलवेज राइट, दैट इज फाइव न्यूक्लियाई। अरे तीन हमारे, जब तक सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक डबल नहीं हो सकता। मेरी बात क्लियर समझिएगा माशा, मोहम्मद सला और अरसलान, यहाँ पे जब तक आपके ये पर्टिकुलर गैमेट के अंदर जब तक सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, सो दैट द डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग। स्पर्म का मतलब है मेल गैमेट से, तो जब ये मेल गैमेट इस पर्टिकुलर फीमेल गैमेट के साथ एग सेल के साथ फ्यूज करें एंड द अदर स्पर्म विल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल अगर आप देख लो तो यहाँ पांच न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, तो फाइव न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे जो फाइव न्यूक्लियस हैं वो फाइव के फाइव न्यूक्लियस यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे इस डबल फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में, तो फाइव न्यूक्लियस विल पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली संजय, अब बात समझ में आ गई। ये जो बात मैंने अभी की आपकी जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको अनदर वर्ड में भी आप कह सकते हो कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। एक वो जिसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जो आगे जनरेशन को फॉर्म करेगा और जनरेशन बनेगी किसे, एम्ब्रियो से, तो इसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म व्हिच इज जस्ट वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन उसमें हेल्प करता है। एंड अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड मेटेरियल को स्टोर करता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव और जनरेटिव दो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजेशन है, जो वही है जिसको हम लोग सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये दोनों फर्टिलाइजेशन वही है जिसको हम लोग सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस सिंगल फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के अंदर दिस मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद द फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, दैट इज द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ये मेरी बात, हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी। और ये जो बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड। अरे तो यहाँ पे दो गेमिंग दो न्यूक्लियस तो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एनदर मेल गैमेट, मतलब एनदर मेल गैमेट जो हमारा बचा हुआ दूसरा मेल गैमेट है वो बेसिकली जाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस से पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा।
यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, कई बार ये बात मैंने एक्सप्लेन यहां पे कर दी है ना, यहां पे मैंने ये बात एक्सप्लेन की और यहां लिखा भी है हियर द अनदर मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द टू पोलर न्यूक्लियस द डेफिनेट न्यूक्लियस प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, जो टर्म दिया था कटलर एंड चैम्बरलिन ने। चैम्बरलिन एंड कटलर वाज गिवन द ट्रिपल फ्यूजन टर्म फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, यहां तक मेरी आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मैंने लिखा है लास्ट में दस इन एम्ब्रियो सैक द टू सेक्सुअल फ्यूजन। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर इंडैक्टिक कितने फ्यूजन हुए, टू सेक्सुअल फ्यूजन हुआ। पहला तो हुआ मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से, दूसरा हुआ मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। बन क्या गए, दो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डेवलप हुए इन केस ऑफ एम्ब्रियो सैक, इन केस ऑफ इस ओव्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं जायगोट और एंडोस्पर्म। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो फटाफट मुझे यहाँ पे चैट करके इन्फॉर्म करिए सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आई तो फटाफट मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी कि सर ये बात नहीं समझ में आई। और ये हमारा क्या है, ओव्यूल, ये हमारा क्या है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर ये हमारा ओव्यूल है, और ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, इस ओवरी के अंदर, यही तो अटैच है प्लेसेंटा पे, और यहां पे है क्या एम्ब्रियो सैक, ये हमारा है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक की कहानी की अगर बात करें तो यहां तो ये बन गया जायगोट, ये क्या बन गया आपका जायगोट, जहां पे दो डिफरेंट न्यूक्लियस फ्यूज किए, और ये हमारा बन गया है ट्रिपल फ्यूजन के बाद तीन न्यूक्लियस के साथ एंडोस्पर्म। देन सच ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू सीड एंड दिस ओवरी After fertilization change into fruit, है ना? तो यहां पे significance of double fertilization में एक word मैंने लिखा है, double fertilization gives the birth to the seed or embryo and the endosperm. Double fertilization के बाद ultimately क्या मिलता है, हमें embryo का formation मिलता है, क्योंकि ovule किसमें बदल गया, seed में, और seed के अंदर ही होता है embryo, है ना? बनेगा किससे, zygote से, और ये क्या है ओवरी, ओवरी किसमें बदल गया फ्रूट में, और यहां पे एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो भी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। तो ये तो बात हुई हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन के डिफरेंस में। ओके, याद रखिएगा कि अगले टेस्ट सीरीज जो अगला क्वेश्चन पेपर है, कल जो हमारा सार्थक क्वेश्चन पेपर का टेस्ट होगा उसके अंदर यहां तक आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन तक के क्वेश्चन होंगे। सो डोंट बी Have any doubt? आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ पे डाउट अगर है तो फटाफट मुझसे आप पूछ कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका मतलब क्या है और इसके आंसर्स क्या है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट अंदर वन टॉपिक की, यहाँ पे बात करनी है कि ये जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ हमारा क्या बन गया, यहाँ हमारा बन गया एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनता है, सबसे पहले जो एंडोस्पर्म बना, ये जो हमारा एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड होता है मोस्टली, है ना, मोस्टली कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, बनता किससे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स, या लिख सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स का एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म मोस्टली ट्रिप्लॉइड होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लांट भी है जिसका नाम है ऑनियोथेरा। ये ऑनियोथेरा टाइप का, ऑनियोथेरा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है विच इज ए डिप्लॉइड, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होता है, यहां पे क्या होता है, सॉरी डिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। दूसरी यहां पे और भी कई सारे प्लांट हैं, जैसे प्लम्बेगो, प्लम्बेजिला, ठीक, पीनिया, इन सब के अंदर हमारे जो एंडोस्पर्म का नेचर होता है, अगर आपको याद हुआ एंडोस्पर्म में मतलब एम्ब्रियो सैक वाली क्लास, वहां मैंने बोला था कि इनके अंदर होते हैं 5N पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म, और एक प्लांट और है जिसको मैंने यहां पर बोला था आपको पेप्रोमिया, कुछ प्लांट के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज पेप्रोमिया। इस पेप्रोमिया के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म होता है 9N, वहां पे कई सारे न्यूक्लियस होते हैं 9N, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर वो प्लॉइडी होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉइडी विच इज नॉट
लेकिन ऐसे कितने प्लांट जानते हैं जिनके अंदर ये एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं? कुछ प्लांट के नाम पता होगा ना कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं, बताइए फटाफट। इस एंडोस्पर्म के बारे में मुझे लाइव चैट करके बताइए कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म किसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब जो टेस्ट की बात नहीं कर रहे मेरे लाल, ये जो सार्थक क्वेश्चन सीरीज है इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो सार्थक क्वेश्चन सीरीज का कल 13वां पार्ट जो होगा, 13वां पार्ट जो होगा, उसके अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट तक डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमारा इवनिंग क्लास में अभी क्या शुरू होना है, आज होना है फैमिली डिस्क्रिप्शन, तो वो जैसे हमारी फैमिली डिस्क्रिप्शन दो तीन फैमिली खत्म होंगी उसको हम लोग फिर इंक्लूड कर लेंगे इसी क्वेश्चन सीरीज के अंदर और टॉपिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर। इसलिए जो कल का जो टॉपिक होगा वो इसी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट तक हो सकता है और यहां तक होगा जहां तक आज हम लोग एंडोस्पर्म तक पढ़ लेंगे। ओके, बाकी रही बात ऑनलाइन टेस्ट की, तो एग्जैक्टली आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट कमिंग डेज में 22 फेब को होना है। 99.9% और 22 फेब होगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी एज सून एज पॉसिबल मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन फर्दर उस क्वेश्चन पेपर को वही लोग ज्वाइन करेंगे जो अपने सार्थक क्वेश्चन सीरीज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ओके, आपको उसको रजिस्टर कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करके या किसी भी तरीके से आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके उसको फिलअप करेंगे। बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आंसर नहीं आया मेरे लाल। यहाँ पे मैंने पूछा कि ये जो पर्टिकुलर एंडोस्पर्म है किसके अंदर एब्सेंट होंगे। साहिल कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ गायब हो जाते हैं बीच बीच में? अनुभव, अंकेश, सृजन, मायशा, सिद्रा, मोहम्मद, सलाह, अरसलान, किसी को तो आंसर देना चाहिए ना। साहिल ने केवल गुड मॉर्निंग बोला उसके बाद गायब, मुझे लगता है या तो नाश्ता करने चला गया, सर ने बोला था ऑनलाइन रहना है, मैं ऑनलाइन आ गया। यस डेफिनेटली चलेगी संजय, क्यों नहीं चलेगी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बहुत लाइफ में ट्रेजेडी हो जाए अगर किसी का बेटा, जवान बेटा खत्म हो जाए, 20-22 साल का बेटा खत्म हो गया। ठीक है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, और वेरी हेल्पफुल और वैसा बेटा मुझे लगता है हर पेरेंट्स को देना चाहिए जो बहुत ही हेल्पफुल नेचर का होता। अगर आपको भी कहीं रास्ते में मिलता तो शायद आपको भी कहता कि क्या प्रॉब्लम है, आपको अगर ब्लड तक की जरूरत है तो शायद वो अपना ब्लड भी डोनेट कर देता। वो इस तरीके का बेटा था, तो मेरा बेटे के समान ही था बेसिकली। मैं उस दिन मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं क्लास लेने की कंडीशन में नहीं था इमोशनली। आई एम वेरी टच विद दिस फैमिली क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं और मैं जब भी किसी को फ्रेंड्स मानता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ वही है। Because I believe in the friendship, I believe in the relation. क्योंकि relation और friendship तोड़ना बहुत आसान होता है, बनाना बड़ा मुश्किल होता है। Relation बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे in terms of success की बात करें तो याद रखना कैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है, और भूल जाना बड़ा आसान होता है। तो आपको याद रखना है, अगर ये याद रहेगा till exam तक, और वो याद तभी रहेगा जब आप revise करोगे। देखो अभी साहिल ने अभी तक या तो मेरी आवाज जिसको नहीं पहुंची है क्योंकि उसने सुनी नहीं, अगर वो केयरलेस नहीं है मेरी आवाज सुनता और मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स देता, सर आई एम प्रेजेंट हियर, है ना। सोच लीजिए आपको कितने कितने एक्टिव हैं। ओके, तो ड्यू टू दिस रीजन मेरी उस दिन क्लास पोस्टपोन्ड हुई, एंटायर डे आई एम अपसेट, एंटायर डे क्या आज भी मैं अपसेट हूँ, सोचता हूँ उनके बारे में और उनके और अपने बारे में कि क्या बेसिकली क्या ऊपर वाले ने इतना, मतलब उसने किसी का शायद बुरा किया ही नहीं होगा, फिर भी गॉड को जो मंजूर था उसके आगे कुछ नहीं चलता, इसलिए एक रीजन था। उस दिन क्लास सस्पेंड हुई, लेकिन मोस्टली क्लास सस्पेंड होती नहीं है, कोई रीजन होता है उसके पहले मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर देता हूं, इसलिए आपको चाहिए। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली वो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि दिस एंडोस्पर्म आर एब्सेंट इन, ये जो एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा वो होगा टॉप के अंदर, ठीक है ना। टॉप, टॉप वर्ड है, तीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है। एक प्लांट आपने बोला बिल्कुल सही है, ये प्लांट है ऑर्किडोस फैमिली का नाम हो जाएगा ऑर्किडेसी। क्या नाम हो जाएगा इस फैमिली का? नाम हो जाएगा यहाँ पे ऑर्किडेसी। तो ये जो ऑर्किडेसी फैमिली है, इस ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे ऑर्किडेसी प्लांट के अंदर, इस ऑर्किडेसी प्लांट के अंदर, डेसी प्लांट के अंदर क्या होगा,
एंडोस्पर्म नहीं होगा। दूसरा प्लांट है पोडोस्टिमोन, तो पोडोस्टिमेसी, पोडोस्टोमेसी, और ये पोडोस्टोमेसी प्लांट के अंदर क्या होगा, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा। तीसरा है जिसको बोलते हैं ट्रैपेसी, क्या बोलते हैं ट्रैपेसी, और इस ट्रैपेसी के अंदर जो आता है सिंघाड़ा, उस सिंघाड़े के अंदर भी ये बेसिकली एब्सेंट होगा एंडोस्पर्म। तो याद रखना है ये आपको वर्ड टॉप, टॉप का मतलब हो जाएगा ये तीन प्लांट है ट्रापाबिस्पाइनोसा, सिंघाड़ा और पोडोस्टिमोन, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। यहां तक मेरे आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके आगे बात करते हैं, ये जो हमारे प्लांट है इन प्लांट के अंदर कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उसके बारे में आप मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एंडोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है, जहां पे एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है। ये बात मैंने कई बार बता चुकी हूं, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, और ये एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है इसलिए इसको बेसिकली यहां इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केस में इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए ऑलवेज कैसा होता है हैप्लॉयड, लिखा है बिकॉज विच फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है, व्हिच इज हैप्लॉयड नॉट ट्रिप्लॉयड। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है जो ज्यादातर फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई और विद वन ऑफ द मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस एक और भी है कि यहाँ पे जो ट्रैपेसी है, ऑर्किडेसी है, पोडोस्टोमेसियन के अंदर, टॉप के अंदर, इस टॉप के अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं क्राइनम में, रेफनस में, मैथ्यूल और विस्कम के अंदर। क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म का मतलब है कि ये जो एंडोस्पर्म होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ये क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और इस ग्रीन कलर के एंडोस्पर्म के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है क्राइनम, रेफनस और मैथ्यूला, या कहना चाहिए क्राइनस, रेफनस, मैथ्यूला और विस्कम। इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म ग्रीन कलर का होगा। यहां तक मेरी बात आपको पहुंच गई होगी। ओके, खैर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पर्पस है वो वर्ड मैंने जो भी आपको कुछ देर पहले बोला कि यहाँ पे जो पॉलीप्लाइडाइजेशन है, पॉलीप्लाइडाइजेशन का मतलब है वो पर्टिकुलर फिनोमेना जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर एक है तो दो हो जाएंगे, दो है चार हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, दस हो जाएंगे, सोलह हो जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ये जो पॉलीप्लाइडाइजेशन है, ये पॉलीप्लाइडाइजेशन विच इज वेरी कॉमन इन एंडोस्पर्म, ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, और यहाँ पे देखने को मिलता है। आपने देखा कि आपके यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं, ऑर्निथोरा में डिप्लॉयड होते हैं, पेप्रोमिया में 9n होते हैं, और कई सारे के अंदर 5n भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये दो प्लांट ऐसे हैं जिसको मैंने डिस्क्राइब किया था कि एरम मैक्रोटम के अंदर 24576 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, इस थीजियम के अंदर 384n न्यूक्लियस होते हैं, मतलब इतने सारे न्यूक्लियस, इसलिए बोला ना पॉलीप्लाइडाइजेशन इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एक और इंपॉर्टेंट यहां बात कर लेते हैं कि ये जो कोकास म्यूसिफेरा है, इस कोकास म्यूसिफेरा का जो एंडोस्पर्म होता है कॉपियस मिल्की एंडोस्पर्म होता है, मतलब दिस कोकास म्यूसिफेरा विच हैविंग ए मिल्की एंडोस्पर्म। और अगर हम यहाँ फिर एक बात लिख दें, तो मैंने कई बार बोली और आगे भी शायद कहीं ना कहीं लिखी होगी कि यहाँ पे जो कोकास म्यूसिफेरा है जिसको हम लोग बोलते हैं कोकोनट, क्या बोलते हैं कोकोनट, क्योंकि आप लोग में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्लांट के नाम याद करना शुरू नहीं किए। प्लांट के नाम याद करने की कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको एक प्लांट डेली खाना है और जिसको खा रहे उसको याद करना है। आज आपने अगर अमरूद खाया तो अमरूद का बटर निकल लें, जामुन खाया तो जामुन का बटर निकल लें, आलू खाया तो आलू का बटर निकल लें, है ना। ओके, ये जो बेसिकली कोकास म्यूसिफेरा है इसके अंदर जो ड्रिंक वाला पर्पज होता है, जो ड्रिंक होती है, जो पीते हैं बेसिकली, वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आगे हम लोग इसको डिटेल में बात करने वाले हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो हम लोग खाते हैं जिसको, उसको हम गरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये सेलुलर एंडोस्पर्म लिख देते हैं ईट, खाते हैं इसे, एडेबल है, खाते हैं और वो पीते हैं। अगर आपके यहां सिंपल सा क्वेश्चन हो कि नारियल में क्या खाते हैं, तो ऑप्शन वहां पे होंगे सीड खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक, या
ईपी का रखा है, वहां पे आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। लेकिन बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया कि इन कोकास न्यूसीफेरा, इन कोकोनट, द कोकोनट वाटर इज क्या है, कोकोनट वाटर तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना। और कहेगा गरी क्या है, जो आप गरी का गोला देखते हो जो मार्केट में ड्राई फ्रूट के फॉर्म में मिलता है, आपको बताया था मैंने फ्रूट के टाइम पे कि उस पर्टिकुलर गरी का गोला उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, उसका जो ऊपर ब्राउनिश पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सीड कोट। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। यहां पे मैंने फिर वही पॉइंट लिखा कि यहां पे जो एंडोस्पर्म है वो मोस्टली कैसे होंगे, ट्रिप्लॉयड होंगे एंडोस्पर्म, ओनियोथेरा के अंदर डिप्लॉयड होता है, और प्लम्बेजो प्लम्बेगला और पीनिया, प्लम्बेगो प्लम्बेजला एंडोस्पर्म 5N होता है, और पेप्रोमिया के अंदर ये 9N एंडोस्पर्म होते हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा है, ज्यादा नहीं है बच्चा, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर जो दो डिफरेंट टीम डिफरेंट कॉम्पिटिशन है, अगर हम लोग बात करें टीजीडी पीजीडी की तो यहाँ पे तो वो इम्पोर्टेंट है ही है, वहां पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें नीट की, इसकी पॉसिबिलिटी है सेकंड ग्रुप में, ए और बी जो दो सेक्शन है उस सेक्शन बी में ये क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइन लिखी है आपके एनसीईआरटी में, डिटेल में नहीं लिखा लेकिन एक वर्ड जरूर लिखा है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की जो एंडोस्पर्म है वो तीन टाइप के होते हैं। On the basis of development, these endosperm are three type. एक बोलते हैं nuclear type, दूसरे बोलते हैं cellular type, और तीसरे को बोलते हैं halobial type. Nuclear type, cellular type और halobial type बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो basically हैं, ये हमारे तीन different type के endosperm के formation है, जिसको हम लोग अब डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मुझे यहाँ एंडोस्पर्म मतलब डबल और सिंगल दोनों फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करनी थी। तो हमारे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इन सबको, जो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है, और गौर से समझिएगा यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट है, और इनके यहाँ क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इनडायरेक्टली इनके एग्जाम्पल से पूछ रहे हैं। तो पहला है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप, ये बेसिकली आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बना उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और जब ये फ्री न्यूक्लियर होगा तो पहले दो फिर चार फिर छह फिर आठ, लेकिन यहां पे कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर ओनली कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, ओनली कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, क्या होती है, केवल कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये तो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है, जहां केवल और केवल क्या होते हैं न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस मतलब वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको याद कर लेना, वो क्या है, ओकास न्यूसीफेरा, वीड, जियामेस, ये सब न्यूक्लियर टाइप ऑफ, सॉरी यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ। एक तो यार एग्जांपल याद ही रखिए फिलहाल, उकास न्यूसीफेरा। ओके, आगे बात करते हैं, ये है दूसरा जिसको बोलते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ये जो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है यहाँ पे सबसे पहले इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ये हमारे क्या है न्यूक्लियस, और ये है क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके अंदर अगर डिवीजन होगा तो सबसे पहले जैसे न्यूक्लियस डिवाइड किया तो एक से दो न्यूक्लियस, दो से चार, साथ ही साथ क्या बन रही है वॉल, ये वॉल बन रही है, ये वॉल बन रही है सारे के सारे, और इन वॉल के अंदर यहाँ पे क्या है, ये सब न्यूक्लियस है, ये ऐसे क्या है ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी लिखने को मिलती है। यहां लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस टुगेदर विद साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, टुगेदर विद साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस, मतलब यहां पे कैरियोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या होगी साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर हम इनकी बात करें सबसे पहले न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है यहाँ पे वीट, जियामेस, कोकोनट, ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको इनके एग्जांपल्स के नाम लिए, और इनके अंदर एरेका नट जिसको हम लोग बोलते हैं सुपाड़ी, हिंदी में भी लिख दिया मैंने सुपाड़ी जिसको बोलते हैं एरेका नट, इस एरेका नट में स्पेसिफिक ग्राउंड नट, एरेका नट इनके अंदर एक स्पेसिफिक भी एंडोस्पर्म होता है जिसको आगे डिस्क्राइब करें।
ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियर टाइप है, और न्यूक्लियर टाइप को जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा कि दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइडेड रिपीटेडली बाय प्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप, बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के न्यूक्लियस का डिवीजन होगा कई बार और बन जाएगा प्री न्यूक्लियर डिवीजन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसके एग्जाम्पल है वही राइस एंड कुकास न्यूसीफेरा। ओके, इतने तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, नहीं याद रखेंगे तो काम कैसे चलेगा मेरे लाल, है ना। आगे बात करते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें कि जहां पे हमारा आपने अभी पिछले उसमें देखा कि यहाँ पे ये जो आपने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ और साइटोकाइनेसिस भी, इसको बोलते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में आपको याद रखना है स्कोटा, पोटैटो, टोमेटो, मतलब आलू, टमाटर, पिटूनिया, ये सब वो पर्टिकुलर फैमिली है जिसको बोलते हैं सोलोनेसी। सोलोनेसी पिटूनिया के फ्लावर आज के डेट में आपको मार्केट में खूब मिलेंगे, कहीं भी आप किसी नर्सरी में जाइए उसको बोले पिटूनिया का फ्लावर दिखा दे, या पिटूनिया का प्लांट दिखा दे, आप उसको देख करके डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सिंगल डबल हाइब्रिड सारे पिटूनिया मिलते हैं। ये है डेटुरा और एडाप्सा, अलग अलग प्लांट है जिनके अंदर सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। और यहाँ पे फिर वही बात कि यहाँ डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म अंडर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, मतलब तुरंत उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस होगी और अल्टीमेटली बन जाएगा ये सेलुलर टाइप। यहाँ पे फर्स्ट वॉल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहली वॉल का फॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसवर्स होता है, द फर्स्ट वॉल इज फॉर्म ओनली ट्रांसवर्सली एंड द लेटर ऑन सम वर्टिकल एंड ऑब्लिक डिवीजन। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि जैसे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी तो जो फर्स्ट वॉल बनेगी वो यूजुअली ट्रांसवर्स बनेगी, उसके बाद ऑब्लिक और वर्टिकल डिवीजन होते रहते हैं। तो यहाँ पे बनते हैं ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। अब ये जो बचा हुआ है हेलोबियल, इस हेलोबियल का मतलब होता है कि ये तो एक इंटरमीडिएट टाइप है, ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है जो इन दोनों के बीच में मिलता है। अभी बीच वाली बात है तो इसको फिर यहां गौर से देखिए, यहां पे हेलोबियल है, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो यहां पे दो न्यूक्लियस तो बन गए टुगेदर विद द साइटोकाइनेसिस। यहां पे देखो और यहां देखो दोनों में अंतर है, ये अगर आपका ऐसे माइक्रोपाइल बना दे तो ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ और चलाजर एंड की तरफ दोनों में अलग अलग साइज के बने। तो यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस विद सेल वॉल फॉर्मेशन जो होता है वहां पे दो डिफरेंट साइज की सेल बन जाती है, ये और ये दोनों इंडिपेंडेंटली डिवाइड करेंगे टू फॉर्म ए हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। गौर से देखिए तो ये जो चलाजल एंड की तरफ है इनके अंदर न्यूक्लियस बने कई सारे क्योंकि कई बार डिवाइड किया, और ये जो माइक्रोपाइल एंड वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर डिवीजन हुआ कम, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप। और एग्जाम्पल इसका वेलिसनेरिया, क्या एग्जाम्पल है, वेलिसनेरिया। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, यहाँ पे देखिए वेलिसनेरिया माइटेला, ये बेसिकली हमारे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल टाइप। और इस हेलोबियल की कैरेक्टरिस्टिक्स वही था कि इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है टू फॉर्म ए टू सेल्स, दैट इज फॉर्म ए टू सेल्स, वन टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड अनदर टुवर्ड्स चलाजल एंड। यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के हिसाब से कि यहाँ पे हमारा जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखने को मिला तीन टाइप का, न्यूक्लियर टाइप, हेलोबियल टाइप और सेलुलर टाइप। यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी शायद ये आज का लेक्चर बिंदास, बहुत छोटे छोटे टर्म्स थे, मैंने दो बार तीन बार इनको रिवाइज किया। यहाँ पे लास्ट एक हेडिंग और बात करते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म में किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और आज तक कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्म और कमिंग इस वीक के अंदर ये टॉपिक फिनिश, दिस चैप्टर विल बी फिनिश। ओके, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात हो रही है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में होगा क्या, मैंने पहले बोला कि ये जो जायगोट बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनते हैं और ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में, एंड द ओव्यूल अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस। जब ये ओव्यूल बेसिकली सीरीज ऑफ चेंजेस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बन जाएगा, सीड बनेगा, जायगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। Development of the endosperm and the embryo, maturation of ovule into the seed and ovule into the fruit, which are collectively termed post-fertilization events. इसको हम लोग collectively क्या बोलते हैं? Post-fertilization events बोलते हैं, जिसको more than 5 times discuss कर चुके हैं, 5 बार इसको explain कर चुके हैं, from first to till now, अभी तक।
एक और बात करते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म बेसिकली सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से बनता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, और ये एंडोस्पर्म विच आर फिल्ड विद दिस रिजर्व फूड मटेरियल, इस एंडोस्पर्म का काम होता है कि यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, और वो रिजर्व फूड मटेरियल जहां स्टोर्ड होगा तो देगा क्या, न्यूट्रिशन देता है, इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहां तो बात हुई इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के रेफरेंस में, और ये एक मैंने वर्ड लिखा है, डू यू नो अबाउट दिस, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया, और यहां पे इसलिए यहां पे डू यू नो लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज इट इज आपके यहां पे ये मोजाइक और रिमिनेंट एंडोस्पर्म पूछा जा सकता है। जिसमें एक बार कहूं, आपको याद होगा जो मैंने जीनिया बताया था, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, भुट्टे के अंदर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के दाने थे, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो दाने होते हैं, यहाँ पे येलोइश भी था, मैरून भी था, रेड भी था, विच इज ड्यू टू मोजैक एंडोस्पर्म। वो मोजैक एंडोस्पर्म है ना, क्योंकि जिया में इसमें क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। अगर वो क्रीम से येलो हो जाए जीनिया, अगर वो कई सारे डिफरेंट कलर के पैच बन जाए उस पर्टिकुलर जियामेज के अंदर, तो उसको बोलते हैं मोजैक एंडोस्पर्म। दिस मोजैक एंडोस्पर्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियामेज, ये तो बात आपको याद ही रखनी है। द डिफरेंट कलर रीजन प्रेजेंट इन दिस फॉर्म ऑफ मोजैक पैटर्न, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोजैक एंडोस्पर्म। यहां पे जो मोजैक एंडोस्पर्म है वो टू डिफरेंट कलर्स में होंगे, एंड इट्स फॉर्म एज अ शॉर्ट रेगुलर इररेगुलर मोजैक पैटर्न। इररेगुलर मोजैक पैटर्न में जो वहां पे एंडोस्पर्म के अंदर डिफरेंट कलर रीजन दिखाई देंगे, विच इज कॉल्ड एज मोजैक एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे आपको मोजैक एंडोस्पर्म की कहानी याद रखनी है। ये जो मोजैक एंडोस्पर्म है, ये मोजैक एंडोस्पर्म का एग्जांपल है सियामीज़। केवल इतनी सी बात याद, कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। केवल इतना याद रखना कि मोजैक एंडोस्पर्म एक टाइप का एबनॉर्मल एंडोस्पर्म है, जहां पे हमारे डिफरेंट कलर पैच प्रेजेंट होंगे, और वो डिफरेंट कलर पैच की वजह से उस सियामीज़ के एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, मोजैक एंडोस्पर्म। एक और चीज याद रखिएगा, आपने सुपाड़ी देखी होगी, और ये अगर सुपाड़ी है तो इस सुपाड़ी के अंदर आपने देखा होगा अनइवन ऐसे कॉन्टूर, इररेगुलर फॉर्मेशन का देखने को मिला होगा, अनइवन कॉन्टूर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दो फैमिली है, एक है एरोनेसी, एरिकेसी, रुबिएसी, मिरिस्टिकेसी। ये तो बात हुई फैमिली के रेफरेंस में, नहीं याद होती छोड़ दिए, यहाँ पे याद क्या रखेंगे, अरेका नट, That is called as areca nut. और ये जो अरेका नट होता है इसको बोलते हैं सुपारी, इसका नाम है अरेका कटेचू, अरेका कटेचू। अगर बात करते हैं अरेका नट की तो हो गया अरेका कटेचू, है ना। एक होता है अकेशिया कटेचू, याद रखिएगा अकेशिया, अकेशिया मतलब बबूल की तरह, बबूल की तरह अगर वो कटेचू है, वहां लिखा हुआ अकेशिया कटेचू तो हो जाएगा कत्था, और ये क्या है सुपारी, अरेका कटेचू। इसका बोटेनिकल नेम है, यहाँ कहीं लिखा होना चाहिए, और नहीं लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका नाम है अरेका कटेचू, ये हो गया सुपाड़ी। और अगर ये हो जाए एकेशिया कटेचू, ये हो जाएगा कत्था। जो लोग पान में खाते हैं ना वो वाला कत्था, ये है रिमिनेंट एंडर्स। अगर वो बात करता है फैमिली के रेफरेंस में, ये रिमिनेंट एंडर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप यहाँ याद रखेंगे एनोनेसी, एरिकेसी, मिरिस्टिकेसी, ठीक, इन फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है रिमिनेंट एंडोस्पर्म। यहाँ लिखा है कि व्हेन द एंडोस्पर्म हैव अनइवन सरफेस और द रिजल्स और फरो प्रेजेंट इन दिस एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड रिमिनेंट एंडोस्पर्म। दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू द इनवेजिनेशन ऑफ आउटर टिश्यू, ये जो आउटर टिश्यू है उसके इनवेजिनेट करने की वजह से, विच इज पेनिट्रेट डीपली and the appears a dark wavy bands in the mature, the dark wavy bands in the mature seed, ये जो uneven है, this is an uneven, तो इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं, yes, ये uneven, ठीक, यहां पे uneven कॉन्टूर या अनइवन सरफेस प्रेजेंट हो जाती है इनवेजिनेशन ऑफ डीपर टिश्यू के अंदर, इसके इसको हम लोग बोलते हैं रिमिनेंट एंडोस्पर्म। तो ये सुपाड़ी और सुपाड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है रिमिनेंट एंडोस्पर्म, मोज़ेक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है सियामीज़ के अंदर। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बात करिए, यहां तक अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो जस्ट यू कैन आस्क। बात करनी है, एक छोटा सा और पॉइंट यहां बचा हुआ है, ये ऑलरेडी मैं कई बार इसको सीड में भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, यहां फिर मैं एक बार इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, और अगले टर्न पे फिर नेक्स्ट अंदर टॉपिक की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंट नेचर ऑफ द एंडोस्पर्म द सीड्स आर टू टाइप,
अगर बात करें इस एंडोस्पर्म के रेफरेंस में, तो ये जो एंडोस्पर्म है जिनके जो जो सीड है उनके अंदर का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें तो सीड दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसको होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एक वो जिसको होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का सिंपल सा मतलब है वो सीड जिनके अंदर कॉटिलेडन के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होगा, जितनी दालें वाली फैमिली है पैपलियोनेसी जो फैमिली है सब के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंडोस्पर्म मे बी कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द सीड आर नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक, द फूड मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलेडन लाइक बीन्स पी एंड ऑर्गन्स, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्यों? क्योंकि कॉटिलेडन में खाना स्टोर है और एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम कर गया टिल सीड जर्मिनेशन, इसको होता है एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर हम बात करें एंडोस्पर्मिक की, तो ये जो पर्टिकुलर एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इनके अंदर खाना स्टोर होता है एंडोस्पर्म में और एंडोस्पर्म आर कंप्लीटली प्रेजेंट ड्यूरिंग टिल सीड जर्मिनेशन, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। हियर द एंडोस्पर्म्स मे बी एग्जिस्ट इन मैच्योर सीड टिल सीड जर्मिनेशन एंड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ In mature seed germination, the seeds are known as endospermic and food material is stored in endosome. इनके examples होते हैं Coccasia nucifera, Zea maize, wheat, etc. ये है हमारी यहाँ तक की कहानी। यहाँ तक अगर आपको कोई questions पूछना हो, कोई doubt हो, you can ask anything else. आप यहाँ पे कोई भी questions यहाँ पे discuss कर सकते हैं regarding the fertilization and double fertilization changes तक। ओके बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तो फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की बात है प्लांट के अंदर। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज का क्लास और अपनी क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में फिर मैं वही बोलूंगा जो मैं बोलता आ रहा हूँ, और अब जब तक मेरे जो करेंची की इस मंथ में मेरा टारगेट था कि जो हमारे व्यूज हैं ये व्यूज हमारे 100 क्रॉस करने चाहिए और आपके लाइक्स मोर देन 100 हो जाने चाहिए। देखते हैं कब होते हैं, और आप और हम दोनों लोग मिलकर के इसके बारे में एफर्ट्स कर रहे हैं। जो किसी ने सजेशन दिया था टैग का वो भी मैंने शुरू कर दिया है, पहले भी था लेकिन अब और थोड़ा सा स्पेसिफिकली उसको यूज करने की कोशिश की है। ओके तो बात करते हैं नेक्स्ट कमिंग क्लास के रेफरेंस में, जो आज शाम को 6 PM पे फ्लॉपर के आगे कहानी। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि अगर आज आपने क्लास ज्वाइन की तो आपको फैमिली डिस्क्रिप्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स के साथ हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके कई सारी ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप फैमिली को लर्न करना नहीं पड़ेगा, आप उस ट्रिक्स को याद रखेंगे और कहानी आपको याद रहेगी। ओके सो इन लास्ट आई विल डू से समथिंग लाइक दैट, क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और क्या करना है अगर अभी तक आपने इसको लाइक्स नहीं किया तो लाइक्स बटन को प्रेस करके इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।